नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार समेत पूरे भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा दिए गए कोरोना मरीजों का जो अपडेट है वो आ चुका है। जो कुल मरीज इस आज बिहार में मिले हैं उनकी तादाद 574 बताई जा रही है। आइए आपको बताते हैं किन जिलों में कितने कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो अररिया में 9, अरवल में 9, औरंगाबाद में 4, बांका में 13, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 18, भोजपुर में 9, बक्सर में 1, दरभंगा में 2, ईस्ट चंपारण में 12, गया में 18, गोपालगंज में 15, जहानाबाद में 6, कैमूर में 1, कटिहार में 4, खगड़िया में 4, किशनगंज में 9, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 11, मुंगेर में 15, मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 41, नवादा में 5, पटना में 162, पूर्णिया में 19, रोहतास में 8, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 14, सारण में 23, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 11, सिवान में 16, सुपौल में 4, वैशाली में 16, पश्चिमी चंपारण में 7। तो ये थी बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की लिस्ट। आपको बता दें कि कुल बिहार में 572 नए केस सामने आए हैं। फिलहाल वैक्सीन के ट्रायल का जो समय है वो बढ़ता जा रहा है और वैक्सीन अभी तक बिहार में आई नहीं है। अब देखना यह होगा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटती है या बढ़ती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।